हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि बेसिकली पांच कौन से ये रीजन हो सकते हैं कि जहां पे फार्मा मार्केटिंग कंपनी फेल हो जाती है, जिनकी वजह से फार्मा मार्केटिंग कंपनी फेल हो जाती है। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फार्मा मार्केटिंग कंपनियां लॉन्च होती है, बहुत ही बड़े तादाद में होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ टाइम के साथ साल दो साल तीन साल में फेल हो जाती है। कुछ कंपनियों के साथ क्या होता है कि वो फिर स्ट्रगल करती रहती है, कुछ उनके ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जिसके बाद वो चलती तो रहती है लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पे भी या इन्वेंट्री की तौर पे बहुत सारे तौर पे अगर हम लगाए तो वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, अपने थ्रू आउट लाइफ स्पैन में वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो उन पांच रीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से जो फार्मा मार्केटिंग कंपनी है उनके फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। सबसे पहला जो है वो ये है, किसी एक प्रॉपर मार्केटिंग चैनल को ना चुन पाना। क्या होता है कि जब हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या किसी को देख के या किसी से थोड़ा सीख के हम जब भी फार्मा मार्केटिंग कंपनी में आते हैं या फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगा ले अगर हम आते हैं तो मार्केटिंग कंपनी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही हो जाती है। तो जब हम उसमें आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वे होते हैं मार्केटिंग करने के वहां पे, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह की मार्केटिंग में जाना चाहिए। और वो बहुत ही बड़ी सुसाइडल अटेम्प्ट होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पाते उनको किस मार्केटिंग में जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बेसिक यही रहता है, सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग का कोई भी, क्योंकि किसी भी तरह में जाइए, चाहे आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में जाइए, एथिकल मार्केटिंग में जाइए, चाहे आप जेनरिक में जाइए, चाहे आप पीसीडी फ्रेंचाइजी में जाइए, ओटीसी में जाइए, या अगर आप ऑनलाइन फार्मेसी में जाना चाहते हो या किसी भी तरह में जाना चाहते हो तो उस किसी भी तरह में जाइए, सब में अपने ही ड्रॉबैक होते हैं, सबके अपने एडवांटेज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ बेटर है कोई खराब है, सबके लिए अलग अलग उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बहुत सारे सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे ये तय होता है कि आपके लिए कौन सी चीज ज़्यादा बेटर रहेगी। तो कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छी नहीं है मार्केटिंग टाइप। तो वहाँ पे जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, हम सोचते हैं कि हमें वो चीज़ डॉक्टर्स के थ्रू भी बेचनी है, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी बेचनी है, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बेचेंगे, हम जेनरिक में बिकता है तो जेनरिक में भी बेचेंगे, ओटीसी में बिकता है तो ओटीसी में भी बेचेंगे, फ्रेंचाइजी या पीसीडी मिलती है तो उसको भी हम मटेरियल दे देंगे। तो वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि फिर आप असल में क्या होता है कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में जाएंगे, किसी भी तरह की मार्केटिंग सेटअप में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्टेबल होने में, और वहां पे हमें सेल करने की ज्यादा जल्दी होती है। तो हम सोचते हैं कि जैसे भी बिके हम इसको बेच देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, 6 महीने या साल बाद क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका मटीरियल डॉक्टर पे भी जा रहा है, केमिस्ट पे भी जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी जा रहा है, तो आपके जो रेट्स में है यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं तो आपको उसको किसी और रेट पे देना पड़ेगा, डॉक्टर को जब प्रिस्क्रिप्शन पे कर रहे हैं तो उसका कोई और तरीका होगा, अगर आप केमिस्ट पे ओटीसी बेच रहे हो तो आपको कोई और रेट देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि मिक्सअप हो जाएगा आपकी कंपनी का, और वो लॉन्ग टर्म जो रेपुटेशन आपकी कंपनी की रहेगी या बननी थी, जो आपकी रेपुटेशन बननी थी किसी एक फील्ड में, वो आपकी खराब हो जाएगी। और फिर जो रेट का जो कंपटीशन आएगा, रेट का जो गल्लूवारा हो जाएगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और वहां पे फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो ये रहेगा कि आप केवल अपने प्रोडक्ट की सेलिंग पे ध्यान दे रहे हो, पेमेंट कलेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बहुत बड़ा मैटर होता है। स्टार्टिंग में जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हो, तो हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन ये होता है कि किसी भी तरह हमारे प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, हमारा मार्केट में फ्लो होना शुरू हो जाए। और कुछ बेसिस पे कुछ मंथ तक हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट रनिंग में आना शुरू हो जाए, लेकिन एक चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो पेमेंट कलेक्शन है, आप किसी ऐसे पार्टीज पे, किसी ऐसे डॉक्टर पे, केमिस्ट पे मटेरियल नहीं फेंकना है जहां पे आपको ये है कि आपकी पेमेंट की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, आपकी पेमेंटें बननी शुरू होगी तो आप फाइनेंशियली रूप से टाइट होना शुरू हो जाओगे। इसी वजह से जो मेन रहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान देना जरूरी है, आपको अपने प्रोडक्ट बेचना इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेमेंट कलेक्शन भी बड़ा जरूरी है।
क्योंकि अगर आपके पास पेमेंट नहीं होगा तो फिर आप सर्कुलेशन नहीं घुमा सकते, आप केवल सेल के बेसिस पे अपनी कंपनी को स्टेबल नहीं कर सकते, आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हमेशा आपके पास सेविंग नहीं होगा, हमेशा बैंक आपका साथ नहीं देगा। जब आपकी कंपनी से ही जो इनकम आएगी वही आपकी ग्रोथ में सहायक हो सकती है, बाहर से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, उसकी एक लिमिट रहेगी। लेकिन जब आपकी कंपनी, आपकी मार्केटिंग कंपनी, आपका जो बिजनेस है, वेंचर है, वो पैसा जनरेट करना शुरू करेगा, उस पैसे को जब आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकता है। बाहर से आया हुआ पैसा आपको लिमिटेड ग्रोथ ही दे सकता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता। लेकिन जब आपकी कंपनी, आपका वेंचर पैसा जनरेट करेगा तो वो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ देगा। तो आपको ये बड़ा ध्यान देना है कि आपको सेल के साथ साथ पेमेंट पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप सेलिंग पे दे रहे हो। स्टार्टिंग लेवल से आपको पेमेंट पे बड़ा ध्यान लेके चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके वेंडर्स के प्रति, वेंडर्स को ये लगा कि आपकी पेमेंट कमजोर है, तो कभी भी वो आप पे ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे और आप फिर थ्रू आउट लाइफ स्पैन अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो भी फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर जो प्रॉपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं, आप केवल प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस, जो मार्जिन, जो रेट आपने एक बार तय कर दिए वो लंबे टाइम तक आपके साथ चलेंगे। आप इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर के एक थोड़े टाइम के बाद अगर आप सोचेंगे कि साल के बाद, दो साल के बाद जब आपका मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब आप एकदम से काफी हाई रेट बढ़ा लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप बढ़ा सकते हो रेट, लेकिन उतने हाई अमाउंट में नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कोशिश करिए कि एक प्रॉपर मार्जिन लेके आप चलिए, ज्यादा नहीं तो इतना लेके चलिए कि आपके एक्सपेंसेस निकलते रहे, आपके खर्चे निकलते रहे, जो मार्केट में आपका क्रेडिट लगने लग रहा है उसको भी वो कंपनसेट करे, क्योंकि आपको नुकसान में नहीं जाना है, आपको प्रॉफिट में जाना है। हो सकता है कि आपने जो मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आप डॉक्टर्स पे लगा रहे हो, केमिस्ट पे लगा रहे हो, वो आपको शॉर्ट टर्म में लगे कि आप नुकसान में जा रहे हो, लेकिन वो आप मार्केट में लगा रहे हो। अगर आपका पेमेंट सिक्योरली वापस आता है, वहां पे कुछ मार्जिन आप रख के दे रहे हो, वो मार्जिन के साथ आता है, तो जब आपका सर्कल घूमना शुरू हो जाएगा, एक प्रॉफिट मार्जिन पे शुरू हो जाएगा आपका सर्कल घूमना, तब वो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप एक प्रॉपर मार्जिन लेके चलिए, उतना मार्जिन लेके चलिए कि आपके एक्सपेंसिज निकल जाए, आपके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसिज है, जो आपकी सैलरी है या आपकी जो सेल्स टीम है उसकी जो सैलरी है, जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसिज है, वो सब आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में कंपनसेट हो जाए, और जब आपका सर्कुलेशन घूमना शुरू हो जाए तो आप प्रॉफिट में हो। ऐसा नहीं हो कि आप मार्जिन लेके नहीं चल रहे हो और जब आपका सर्कुलेशन घूमना शुरू हो जाए आपको लगे यार कि मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, मेरे पास तो मार्जिन ही नहीं बच रहा, जितनी मेरी कॉस्ट आ रही है उससे ज्यादा तो मेरे एक्सपेंसिज आ रहे हैं, तो उसके बाद आप एकदम से ज्यादा रेट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेल का लॉस होगा। शुरू में ही अगर आप ठीक ठाक मार्जिन लेके चलेंगे, हो सकता है कि आपने केवल उतना ही मार्जिन लिया है कि आपका एक्सपेंसिस पूरा हो जाए और आप थोड़ा सा नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे पहुंच जाए, वहां पे आप 5 या 10% का इंक्रीज करेंगे मार्जिन में तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन वहां पे अगर आप सीधा ही 50% का या 60% का, 40% का एकदम से मार्जिन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो शुरू से ही एक प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन लेके चलिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। अगर फोर्थ नंबर पे बात करते हैं वो होता है कि आप एक प्राइस बेस्ड मार्केट में बढ़ जाते हैं और अपने एथिक्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाते हैं। कई तरीके होते हैं, क्या होता है कि हम मार्केट में बेचने के लिए, जब जो हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम मार्केटिंग चैनल को, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपरली जो नहीं पाते उसके बेसिस पे हम सारी तरह का काम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये पॉइंट उससे रिलेटेड है। हम कभी कभी क्या होता है कि हम प्राइस बेस्ड मार्केट में बढ़ जाते हैं, जब हम प्राइस बेस्ड मार्केट में बढ़ जाते हैं तो दूसरा जो प्राइस दे रहा है हम उससे कम प्राइस दे के उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस रिटेलर को या वहां से जो ऑर्डर है उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदी तरह की मार्केट होती है। कल कोई आपसे ज्यादा मार्जिन देने की कोशिश करेगा, आपसे कम रेट देने की कोशिश करेगा, तो इजीली आपका कस्टमर आपसे जा सकता है। वहां पे आपको मार्जिन भी कम से कम करना पड़ेगा। जब आप मार्जिन कम से कम करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मली रहेगा। आप कहे कि मैं बिल्कुल ही कम मार्जिन पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में इतने कम रेट है कि कुछ
पार्टीज कुछ कंपनीज इतने कम रेट दे देती है कि वहां तक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं आती। जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे 20-20-30% कम रेट आप मार्केट में किसी से पूछ लो, वो कह देगा कि मेरे को तो ये रेट आ रहा है। अगर आप उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी उससे ज्यादा आएगी। तो प्राइस बेस्ड मार्केट में कंपटीशन आप कभी नहीं कर सकते। तो आपको एक एथिक्स के साथ चलना है, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक प्रॉपर मार्जिन लेके चलना है, और हो सके तो जितना भी अपना एक प्रॉपर मार्जिन फिक्स करके कि आपको इन रेट्स पे बेचना है, क्योंकि आपको सारी तरह के कस्टमर मिल जाते हैं। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आपको हर तरह का लालच दे लो कि भाई मैं ऑर्डर ज्यादा दे दूंगा, आप मेरे से रेट का ये कर लो ये कर लो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपना बिल्कुल सोच के चलेंगे कि आपको अपने एथिक्स के साथ नहीं करना, आपको प्राइस बेस्ड मार्केट में नहीं जाना, हमारे ये रेट है, ये क्वालिटी है और हम ये तरह का काम करेंगे, तो हो आप बहुत ही अच्छी तरह स्टेबल करने की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइस बेस्ड मार्केट में बढ़ जाते हैं, रेट के कंपटीशन में बढ़ जाएंगे, एक तो आपके कंपनी में कभी भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, कभी भी वहां पे आपको लॉयल कस्टमर नहीं मिल पाएगा और हमेशा ही आपको ऑर्डर जाने का खतरा लगा रहेगा, और दूसरा पेमेंट आपका वहां पे फंसने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जब आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करेंगे, प्राइसेज में वो करेंगे, जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका रिटेलर, आपका डॉक्टर किसी दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हुआ रेट बेस्ड मार्केट की वजह से, तो जितना आपने उस पर क्रेडिट लगाया हुआ, पेमेंट लगाया हुआ, वो वहीं पे मर जाएगा, उसके आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये तो सर्कुलेशन होता है बिजनेस में। फार्मा बिजनेस में बेसिकली मैंने देखा है सर्कुलेशन है, जब तक आप मटेरियल दे रहे हो आपका पेमेंट आ रहा है, जैसे ही आपका मटेरियल जाना बंद हुआ तो आपके पेमेंट का फ्लो भी एकदम से बंद हो जाता है। कुछ पार्टीज, सभी ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी पार्टीज भी होती है जो आपके साथ पूरा का पूरा आपका बैलेंस क्लियर करेगी, लेकिन मोस्टली केसेज में ऐसा ही होता है। तो आप प्राइस बेस्ड मार्केट में ना जाइए, एक प्रॉपर मार्जिन के साथ काम करिए, वहां पे आपके फेल होने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं, लास्ट है पर लिस्ट नहीं है, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं फार्मा कंपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनियों के फेल होने की, वो रहता है अजम्पशन के बेसिस पे डिसीजन लेना। ये बहुत नॉर्मल होता है, हमें लगता है ये हम कभी भी ले सकते हैं अपनी जिंदगी के किसी भी पार्ट में, अपने बिजनेस की किसी भी लेवल पे हम ये कर सकते हैं। शुरू में मेरे में भी ये टेंडेंसी बहुत थी कि मैं एजम्पशन के बेसिस पे लेता था, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी पार्टी ने अच्छे ऑर्डर देने शुरू किए, उसके बाद उसने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया, क्रेडिट के बारे में बोला, हमें लगा कि पार्टी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा और उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या होता है कि वहां पे हमें नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा नुकसान हमने सिर्फ इसी बेसिस पे लिया है कि हमने जो डिसीजन लिए हैं वो अज्यूम करके लिए हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन असल में कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा जो आप डिसीजन लीजिए वो फैक्ट के हिसाब से लीजिए, अपनी पॉलिसी के हिसाब से लीजिए, उन सबको क्लियर रखिए, कभी भी भावनाओं में बह के अज्यूम करके कभी भी उस तरह के डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए या हमारे स्टेबिलिटी के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, किसी पार्टी पे कभी ज्यादा क्रेडिट मत लगाइए, हमेशा ही एक लिमिट बना के चलिए, कभी भी अजम्पशन को छोड़ के हमेशा डाटा के बेसिस पे डिसीजन लीजिए, हर चीज की एक लिमिट रखिए, चाहे वो आप किसी पार्टी पे क्रेडिट लगा रहे हैं, चाहे परचेज कर रहे हैं, कहीं से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, हर चीज की आपकी लिमिट होनी चाहिए, आपके डाटा के बेसिस पे होनी चाहिए, आपके अजम्पशन के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अज्यूम कर लेंगे कि इस बार सीजन आएगा तो मेरी इतनी सेल हो जाएगी और फिर इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मैं इस चीज को ऐसे कर लूंगा, उस चीज को वैसे कर लूंगा, तो कभी भी अजम्पशन के बेसिस पे कुछ नहीं होता, परिस्थितियां कभी भी किसी भी तरह चल सकती है, जो हम सोचते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता, वो हमेशा चेंजिंग में ही होता रहता है। तो हमेशा डाटा के बेसिस पे या फैक्ट के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो आपका ज्यादा यूजफुल रहेगा, बजाय इसके कि अगर मेरे को अच्छा लगता है ये होना चाहिए और मैं वो ले लूं तो उसके गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।